वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कटिहार को। यहाँ के जो गाड़ियों का नंबर है वो BR 39 है। ये यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखिएगा मंडल कारा कटिहार। और बगल में ही है यहाँ मिर्चाबाड़ी चिल्ड्रन पार्क। ये चिल्ड्रन पार्क है छोटा सा। अब मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ। ये कचहरी का एरिया है। दिन में हम लोगों कहीं निकलना है इसलिए थोड़ा सवेरे ही बना रहा हूँ, नहीं तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। आप तो समझ ही सकते हैं आप लोग ये कचहरी में कितनी भीड़ भाड़ रहती है। ये यहाँ पर जिला कोषागार, सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, ये समाहरणालय है। ये मतलब यहाँ कटिहार का ये कचहरी है। जिला निबंधन कार्यालय देख सकते हैं। ये जो एरिया हुआ ये हो गया मिर्चाबाड़ी का एरिया। मिर्चाबाड़ी जो मिर्चाबाड़ी है कटिहार में, ये बहुत पुराना मेन मार्केट है। कटिहार का मेन मार्केट है, मेन एरिया इसको बोल सकते हैं मिर्चाबाड़ी एरिया। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं और निकल के हम लोग ये मिर्चाबाड़ी एरिया को ही हम लोग अभी एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये जो छोटा सा पैच है ना, ये लगभग 1-2 किलोमीटर का मिर्चाबाड़ी से लगभग आपका शहीद चौक में एक मुख्य रोड हुआ। और शहीद चौक के बाद जो एरिया है वो वहाँ का मेन बाज़ार एरिया है। तो अभी हम लोग मेन बाज़ार के एरिया को, हालांकि अभी बहुत अभी 9 बज रहा है दिन का, सुबह का, तो बहुत ज़्यादा इसलिए भीड़ भाड़ आपको नहीं दिख रही है। मैं आपको बस एरिया दिखा रहा हूँ, अफकोर्स भीड़ भाड़ में मैं क्या दिखाऊँगा। और थोड़ी देर के बाद अभी आप गौर करेंगे इधर लेफ्ट साइड में रेड रेड बिल्डिंग्स हैं, रेड रेड बने हुए हैं, जिसका मतलब है कि हम लोग रेलवे कॉलोनी के एरिया में आ गए हैं। और ये रेलवे कॉलोनी है, ये इधर पूरा रेलवे कॉलोनी है, बड़ा एरिया है। क्योंकि तो कटिहार का जो स्टेशन है काफ़ी बड़ा है। ये सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए जितने भी ट्रेन्स वगैरह हैं नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट से कहीं भी और कहीं से भी नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो समझ लीजिए वहाँ का ये मेन एक पड़ाव है कटिहार। ये जेपी चौक है, यहाँ का मेन चौक में से ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़ा एरिया है कटिहार जंक्शन। और यहाँ ऊपर में देख सकते हैं ये मालदा आगे है, लाभा 24 किलोमीटर है। ये हम लोग अभी गुजर रहे हैं रेलवे ओवरब्रिज से। ये जो रेलवे ओवरब्रिज है हो सकता है तकरीबन शायद हर सिटी में होता होगा, क्योंकि रेलवे पार होती है और जो मुख्य सड़क को क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज बनाया जाता है। तो ये खूब सुंदर सा एक ओवरब्रिज है। ये पहले तो ऐसा नहीं था जब मैं लास्ट टाइम आया था, अभी काफ़ी सुंदर बना दिया गया है। यहाँ टेम्पो वगैरह इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ से भी स्टेशन नीचे उतरने का रास्ता है और आने का रास्ता है, तो यात्री लोग यहाँ पर भी टेम्पो पकड़ते हैं। और ये है शहीद चौक, यहाँ का शहीद चौक ये मेन बाज़ार एरिया है। मतलब उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है सीधे, इसलिए रास्ता बंद है, लेफ्ट साइड से चलते हैं। यहाँ एक हॉल हुआ करता था वसंत, वो बंद है अभी। चूँकि मॉर्निंग का टाइम है इसलिए देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें अभी बंद हैं। अभी बस
खुल रही है, 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। लेकिन आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कटिहार का। तो ये कटिहार का मंगल बाज़ार है। साफ़ सफाई का काम चल ही रहा है, लोग अपने अपने दुकानों को खोल रहे हैं। लेफ्ट साइड जाता हूँ क्योंकि राइट साइड में हमेशा जाता हूँ। लेफ्ट साइड जाते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, लेफ्ट साइड लगता है थोड़ा सा मंडी मार्केट है। ये लीची दिख रहा है, अभी गर्मी का टाइम है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बिहार में आपको आम, लीची खासकर दिखे गए। अच्छा, ये भी यहाँ का शायद फलों और सब्जियों का सुबह का जो मंडी लगता है वो वाला एरिया है, देख सकते हैं क्योंकि रोड में ही इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये मंडी का ही एरिया है, पता नहीं शायद इस इतनी सुबह में कभी इधर आया नहीं इसलिए कभी पता नहीं चला, क्योंकि इस टाइप के जितने भी मंडी होते हैं वो 10-11-12 बजते बजते तो खैर ख़त्म हो जाते हैं। सुबह का ही मेन मार्केट रहता है। हरदयालाल टॉकीज रोड। तो ये है दुर्गा स्थान चौक और आप चौक से ही देख सकते हैं कोना में ही बहुत अच्छा और भव्य विशाल मंदिर बना गया है दुर्गा माता का। थोड़ा सा बाहर से ही देखते हैं क्योंकि समय की कमी के कारण अंदर नहीं जा पाऊँगा। अच्छा, ये देख सकते हैं दुर्गा माँ का मंदिर, काफ़ी भव्य है। यहाँ से वापस होते हैं। साउथ की तरफ जाते हैं। ये रास्ता तो थोड़ा क्लोज हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा ठीक किया जा रहा है। देखते हैं इस साइड में क्या है। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये कटिहार का सदर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ का मॉल है, एक काफ़ी अच्छे पिलर्स वाला मॉल है। विनोदपुर, इस जगह का नाम है विनोदपुर। चलिए अब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं इस जगह को, अब लौटते हैं वापस। अभी चौक पहुँचे हैं वापस, वही जो स्टेशन वाला जो चौक है, और यहाँ से अब हम लोग जाते हैं लेफ्ट की ओर, मतलब स्टेशन के ठीक ऑपोजिट की ओर। थोड़ा सा विज़िट करते हैं इस एरिया को, ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, देखता हूँ इधर क्या है। मतलब इधर कभी मौका ही नहीं मिला आने का, बहुत दूर तक तो नहीं जाऊंगा, देखता हूँ किधर जा सकता हूँ। चलो इधर जाते हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन के आसपास जितने भी आपको दिखेंगे वो रेलवे क्वार्टर वगैरह ही दिखेंगे और मैं उसके आसपास का एरिया नहीं हूँ तो शायद मुझे ज़्यादातर क्वार्टर ही दिखेंगे। काफ़ी दूर जाके हो सकता है कुछ प्राइवेट घर, आदर्श उच्च विद्यालय है यहाँ, तो ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। अब यहाँ से वो वाला रास्ता में जाते हैं, देखते हैं उधर में क्या है।
फिर जैसे कि टाइम का शॉर्टेज है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा, देखता हूँ आगे क्या है। अगर आप बिहार झारखंड से हैं तो आपको मालूम है कि जो छोटे शहर होते हैं ना वो वाकई में छोटे होते हैं, मतलब वहाँ पे आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है ऑलमोस्ट। झारखंड में तो थोड़ा बहुत आपको पेड़ पौधे जंगल घाटी दिख जाएगा, लेकिन बिहार में तो बिल्कुल नहीं। बाकी जितने भी शहर, अरे वाह ये अचानक मैंने दाएं साइड देखा तो काफ़ी यूनिक सा एक स्ट्रक्चर है, मंदिर है, बहुत अच्छा। पता नहीं GoPro कैप्चर कर पा रहा है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन ये देखिए आप देख सकते, बिल्कुल गली में है। इस जगह का नाम है जगन्नाथपुरी। ये है वो अमर जवान वाला चौक पे हम निकल गए वहाँ से, और अब हम लोग ये मिर्चाबाड़ी वाला एरिया है वहाँ पहुँच गए हैं। ये इधर से जो लेफ्ट साइड का रास्ता है वो जाता है ऑफिसर्स कॉलोनी की तरफ, मेरे रिलेटिव रहते थे यहाँ पे, वो अब यहाँ से आ गए हैं हृदयगंज में। हृदयगंज का एरिया पहले काफ़ी बाहर का, मतलब कटिहार से बाहर का एरिया माना जाता था, कटिहार टाउन से, लेकिन अब तो खैर अच्छे से फैल गया है। और ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं हनुमान मंदिर, ये यहाँ का मेन लैंडमार्क है। यहाँ से जो राइट का रास्ता है वो जाता है सीधे पूर्णिया, और जो लेफ्ट का जो राइट जिस रास्ता में हम लोग घुसे हैं वो रास्ता जाता है सीधे गेड़ाबाड़ी। तो लगभग बस इतना ही मोटा मोटी एरिया है कटिहार, और दिखाने का बस छोटा सा, जो छोटा मोटा जो कहीं पार्क होता है वो पार्क है यहाँ पे, बच्चों का चिल्ड्रन पार्क जैसे मैंने दिखाया, और उसके अलावा और कुछ वैसा नहीं है। तो वापस हम लोग ये कचहरी का एरिया, ये राइट साइड कचहरी का एरिया, यहाँ हम लोग आ गए हैं, और थोड़ा दूर में फुल क्रॉस करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे हृदयगंज। जयमाला शिक्षा निकेतन, और यहाँ जो सामने दिख रहा है वो है सीताराम चिमरिया कॉलेज, सीताराम चिमरिया डिग्री कॉलेज। एक अभी बंद है, एग्ज़ाम वगैरह सब हो गए हैं, तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगले वीडियो में हम कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।